दिलवाले जो फिल्म है उसकी कहानी मेरे साथ मुझे अपनी सहन कहानी लगती है, जैसे अजय देवगन पागल हुआ था। राम राम मेरे भाइयों, आप आ चुके हैं पेंटर भाई दोरे जो फोन कर रहे हैं ना है, पेंटर भाई है अपना, इसने अपनी कहानी लिख रखी है अपनी रियल लाइफ के ऊपर, बहुत ही मस्त कहानी है वाह, मैंने सुनी तो मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ। अब पेंटर भाई दोरे चला। हाँ भाई, पेंटर भाई राम राम है, पेंटर भाई से राम राम भाई साहब सब, मैं पवन पेंटर बोंद से हूँ। मेरे आसपास के गांव के जितने भी हैं बोंद में तो मुझे सब जानते ही है पवन के नाम से, पवन पेंटर के नाम से। बाकी उससे पहले मेरी कहानी थी जो कि मैं ये पेंटिंग का काम अभी फिर से करने लगा हूँ। मैं पहले करता था 20 साल पहले कम से कम, उसके बाद में दौरान मैं बम्बई चला गया। बम्बई जाने के बाद मैं शादी हो गई मेरी, शादी होने के बाद मैं मेरा लड़का हुआ था एक, वो एक्सपायर हो गया, 2 साल का था वो। उसके बाद मैं शराब पीने लगा। बाबा चंदूदास का नाम तो सब जानते हैं, बाबा रणकोली में बोंद में बाबा चंदूदास के धाम पे पड़ा रहता था मैं रात दिन, रोटी मांग के खाता था और दारू पीता शराब पीता रात दिन, मतलब भिखारियों जैसी हालत हो गई थी। अभी बाबा ने इतना सारा दिया है, ये सब बाबा की दया मानता हूँ। बाबा ने दूसरा जन्म दिया है मुझे जो आज मैं काम करने लगा, फिर से मेरा नाम हो गया, मेरा नाम समझ गया। तो जुकर की भाई ने बताया एक बार बॉम्बे भी गया था और बाकी थोड़ी इसकी लाइफ जो है बहुत हार्ड बीती है। तो भाई जुकर आप बॉम्बे गए और आपने हीरो हीरो बनने की कोशिश करी, आपकी कोई लाइफ नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़की नहीं आई, लेकिन वहाँ पर शूटिंग बहुत फिल्मों की देखी है खुद आंखों से, फिल्मों से मतलब टीवी में कम देखा है, फिल्म शूटिंग ज्यादा देखी है मैंने फिल्मों की, तो इसलिए दिलवाले जो फिल्म है उसकी कहानी मेरे साथ मुझे अपनी सहन कहानी लगती है, जैसे अजय देवगन पागल हुआ था। तो उससे पहले वो बम्बई गया था ऐसे ही था, उसके बाद में पागल हो गया, उसका साथ जो बीतती है वो सहम कहानी लगती है मुझे अपनी। ओके मेरे भाइयों, आप जुकर की भाई ने बताया कि वो बॉम्बे गया और इसकी लाइफ बहुत वाह बीती है। तो आप यूँ आप जानकारी देते रहेंगे और अगले ब्लॉक में मिलेंगे। हिमांशु आगे ब्लॉक को लाइक शेयर कमेंट करें। ओके मेरे भाई।